हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे गुजरात की खट्टी मीठी दाल ढोकली। ये बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने तुअर दाल ली है, इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें सिंग दाना और पानी डालकर इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हम ढोकली बनाने का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, इसे अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, इसको अच्छे से मसल के डाल देना है अजवाइन को, नमक ऑयल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। ढोकली का डो तैयार हो गया है, इसे हम आधे घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे। दाल बॉईल हो चुकी है, इसे हम हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। अब मसाले ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और चीनी ऐड कर देंगे। नींबू का रस डाल देंगे, आप नींबू के रस के जगह पे इमली का भी यूज कर सकते हैं। कड़ी पत्ता, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम वघार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे तेल लिया है। तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, हींग ऐड करेंगे और लाल मिर्च डालकर इसे दाल में ऐड कर देंगे। अब दाल को हम गैस पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक दाल बॉईल होती है तब तक हम यहाँ पे ढोकली बना लेते हैं। दाल बॉईल हो चुकी है, अब हम ढोकली को इस तरह से कट करके दाल में डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके इसे एक विसल लगने तक पका लेंगे। ढोकली तैयार हो गई है, तो आइए सर्व करते हैं।
हमारी आज की ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।